365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। इचाक प्रखंड के रहिया गांव का मामला कल हमने दिखाया था। उसमें ये दिखाया था कि जन वितरण प्रणाली के लोग किस तरह से गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां 2 महीने का राशन देना था, वहां पर 1 महीने का देकर 2 महीने का लिखा था। खबर 365 न्यूज के संवाददाता ने इस पर गहन जांच भी की थी और लोगों से बात की थी। इस मामले को वीडियो ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को न्याय दिलाया। जब इस बात की खबर वीडियो उषा मिंज को हुई तो वह उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और क्या कहा, खबर 365 न्यूज के संवाददाता को आइए दिखाते हैं। ये गांव में जो निलंबित किया गया है मैम डीलर को, किस प्रकार क्या कुछ बताएंगे उसके बारे में? मुझे जिला से भी डीसी सर और एसडीओ मैडम का मुझे मैसेज आया था कि वहाँ रहिया गांव का जो डीलर है वो उन लोगों को सही तरीके से राशन नहीं दे रहा है। उन लोगों की शिकायत थी कि मई का राशन उन लोगों को नहीं मिला है। मैंने अपने प्रखंड में गठित उड़नदस्ता दल को भेजा था वहाँ और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैडम, इन्होंने जो है मई महीना का जो राशन नहीं दिया है। और वहाँ मुझे सुनने को मिला कि बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर उस डीलर के विरुद्ध में नारेबाजी कर रहे हैं। तो मैं वहाँ स्वयं गई और मैं वहाँ के ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने मुझे बताया कि उन्होंने केवल अप्रैल का राशन दिया है, मई का राशन नहीं दिया है। और जबकि कुछ कार्डधारियों ने मुझे दिखाया कि उनके कार्ड में वो मई चढ़ा दिया गया है लेकिन बाद में उसको काट दिया गया था। तो मैंने जब से पूछा कि अपने राशन क्यों नहीं वितरित किया तो उनका कहना था कि मैंने राशन वितरण कर दिया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने राशन वितरण नहीं किया है। और बाद में वो डीलर के द्वारा भी मतलब एक्सेप्ट किया गया कि हाँ उसने राशन वितरण नहीं किया है। तो मैंने उन्हीं ग्रामीणों के समक्ष ही उनको निलंबित कर दिया और उनकी जो लाइसेंस है उसको रद्द करने की कार्रवाई करके मैंने जिला भेज दिया है, वो निलंबित भी हो गए हैं। दूसरी बात, और साथ में उसके बगल के वहीं एक डीलर है बसंत राम, उनके साथ मैंने उस रहिया गांव के लोगों को टैग कर दिया है। वो नेक्स्ट समय दूसरी समय से उनको जो है राशन वो बसंत राम के द्वारा दिया जाएगा। दूसरी बात यह भी है मैम कि आंगनबाड़ी केंद्र से पीडीएस की संचालन भी की जा रही है जिससे बच्चों को पढ़ने में परेशानियों के सामने करनी पड़ती है। नहीं, आंगनबाड़ी से पीडीएस का संचालन क्यों हो रहा है जी? मैं वहाँ देखा गया इस तरीके से तो नहीं, वो जो लेडी है वो शायद एक जो लेडी है वो आंगनबाड़ी सेविका भी है लेकिन वो एक महिला ग्रुप है, उस महिला में और महिलाएं भी हैं तो उनको अब निलंबित कर दिया गया है। अब उसका जो लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। परिचय में उषा मिंज, वीडियो एचआर।